बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था और आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, विच इज़ अबाउट ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ग्रुप 3A में हमारे पास बोरॉन है, एलुमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। जो सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन हमारे पास, वो नॉन मेटेलिक होता है। वो नॉन मेटेलिक क्यों है? अपने स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। उसके लिए इजी नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, और मेटल्स की जनरल डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। तो बोरॉन जो है वो अपने हाई न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉल साइज की वजह से नॉन मेटेलिक इन नेचर है, जबकि जो अदर मेम्बर्स हैं वो मेटल्स होते हैं। जैसे बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आया, तो फ़ौरन ही एल्युमिनियम जो है वो मेटेलिक इन नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, और ये जो इंक्रीज्ड साइज़ है, हम इस देखेंगे ग्रुप में कि जो साइज़ के अंदर इंक्रीज़ है वो इतना रेगुलर नहीं है, ठीक है। वो एब्रप्ट आ रहा है, और वो ऐसा क्यों आ रहा है कि जो इस ग्रुप के हैवियर मेम्बर्स हैं ना, उनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और डी इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में पुअर होता है, ठीक है। वो तो जो डी इलेक्ट्रॉन्स का पोवर शील्डिंग इफेक्ट है वो हमारे साइज को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, और उसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो इतना रेगुलर नहीं है। आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम के एटॉमिक नंबर विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। आपने ये याद करने हैं। अक्रस ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम। बोरॉन जो है वो अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, ये सॉइल के अंदर ट्रेसेस में पाया जाता है, और प्लांट ग्रोथ के लिए भी ये बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है वो एसेंशियल होता है। बोरॉन नेचर के अंदर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये जो कंपाउंड्स बनाता है उनको हम बोरेट्स कहते हैं, और यूजुअली हमारे पास जो बोरॉन है वो ऑक्सीबोरेट आयन, ये बोरेट कंपाउंड्स का एनायन है, जिसमें ट्राइगोनल BO3 भी हो सकता है या टेट्राहीड्रल BO4 एनायन भी हो सकता है, उसकी फॉर्म में पाया जाता है। प्रिंसिपली बोरॉन, उन्होंने कहा, पॉलीबोरिक एसिड्स की फॉर्म में पाया जाता है हमारे पास। एल्युमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनता है, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन एल्युमिनियम तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, और ये नेचर में हमारे पास एल्युमिनोसिलिकेट्स मिनरल की शक्ल में पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट के आउटर पोर्शन में जो उसके ऊपर वाली सतह होती है उसमें पाया जाएगा। जो इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं, गैलियम, इंडियम और थेलियम, वो बहुत रेयर होते हैं, और उनको हम दूसरे एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग में एज बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। अब हमारे पास टेबल्स हैं बोरॉन और एल्युमिनियम की मिनरल्स के। बोरॉन की मिनरल्स हमारे पास कौन सी है? बोरक्स और टिंकल। आपने इनके केमिकल फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, कोलमनाइट और ऑर्थोबोरिक एसिड्स। तीन मिनरल्स हैं, तीनों के आपने केमिकल फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, स्पेशली ऑर्थोबोरिक एसिड का H3BO3। हमारे पास एल्युमिनियम की मिनरल्स, इसमें भी आपने केमिकल फॉर्मूलाज याद करने हैं, स्पेशली आपने बॉक्साइट का याद करना है, क्रायोलाइट का याद करना है, डायस्पोर का याद करना है, और फेल्डस्पार का और काओलिन का। वैसे आपने सारे याद करने हैं, लेकिन जो स्पेशली आपने याद करने हैं मैंने आपको नेम्स बता दिए हैं। फेल्डस्पार है हमारे पास, मीका है, काओलिन है जिसे हम क्ले भी कहते हैं, क्रोंडम है, एमराल्ड है, गिप्साइट है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है एंड डायस्पोर। जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो अपने अदर मेंबर से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जिसको हम पिक्युलर बिहेवियर का नाम दे रहे थे, जिसमें हमने लिथियम का भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 3A में बोरॉन का पिक्युलर बिहेवियर। बोरॉन भी जो है वो 3A में फर्स्ट मेंबर है, और इसकी भी अपने अदर मेंबर्स के साथ बहुत से ऐसी डिसिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो इसके मैच नहीं करते। पहले जो उसने कहा कि प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है बोरॉन की, वो इसके साइज़ की वजह से है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। आपको पता है कि जितना साइज़ कम है उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, और उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो साइज़ कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये अपने अदर मेंबर से जो है वो डिफरेंट है। बोरॉन वो वाहिद एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक है अपने ग्रुप में। और दूसरी बात ये आई कि ये उसने कहा वाहिद एलिमेंट है जिसके पास चार से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फिर भी नॉन मेटल है। तो ये फिर भी नॉन मेटल क्यों है? इसके हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज नहीं करता, जिसकी वजह से ये मेटेलिक इन करैक्टर है। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोरॉन अपने उन तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। और बोरॉन के जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो +3 की हैं या -3 की हैं।
वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन, बोरॉन की केमिस्ट्री का एक आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है. मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स का यूनियन, यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, रिटेनिंग देयर आइडेंटिटीज, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. एग्जाम्पल भी आपके पास दी गई है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथाइल ईथर की, जिसमें आप देखें BF3 एक मॉलिक्यूल है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा है और वो किसके साथ रह रहा है? वो इथाइल ईथर के साथ रह रहा है. तो ये क्या है? एडिशन, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए. एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दी है. बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. बोरॉन जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता सल्फेट्स के साथ, नाइट्रेट्स के साथ या किसी भी अदर एनायन के साथ, क्योंकि इसका जो कटाइन है वो स्टेबल नहीं होता. हमने कहा कि बोरॉन का कटाइन जो है वो स्टेबल नहीं होता. क्यों स्टेबल नहीं होता? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो इजीली कटाइन बनाते हैं, उनका कटाइन स्टेबल होता है. मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कटाइन बनाती हैं. हमने बोरॉन के बारे में पढ़ा कि ये नॉन मेटेलिक इन नेचर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज नहीं करता. इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको बॉन्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा और इसका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है. आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसका जो कटाइन बनता है वो स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बनाता. दैट इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ लेक्चर. 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने आज जो है वो इंट्रोडक्शन और सम हाउ बोरॉन का पर्टिकुलर बिहेवियर पढ़ा है. मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग जो है ना इस चैप्टर को साथ साथ कंटिन्यू करें, और 2nd चैप्टर का टेस्ट भी मैं आपको आज सेंड कर दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, सॉल्व करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.